ओम परमात्मा ने नमः। 15वें अध्याय में ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पूर्वभाग के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, और होत्र का पुत्र था जुनू। ये जुनू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जुनू का पुत्र था पुरु, और पुरु का बलाक, और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाबु। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षण, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋषिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋषिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशवंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1,000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही तो ऋषिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋषिक से उसकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋषिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्र से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा गई। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋषिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की, स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पाणि ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वो पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दंतात्रेय को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1,000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल,
अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था, उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मंत सहस्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद में रख लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैवश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ है आदिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर है हयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमान बस जगदम्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां बां डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गए। जब ये सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए। उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेली उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते वहां वहां सारथी वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें, कंधे कटकट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। है आदिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं, ढाल, भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कटकट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रादि धारियों के श्रोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब है आदिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपने तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए।
परीक्षण विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वो बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महेशमती में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सबको सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा कि हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने अनर्थी वध कर किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। अतः 15वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।